सबसे पहले तो मैं आदरणीय जनाब शरद पवार साहब का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। उनके जैसे बड़े नेतृत्व ने जो देश में आज सबसे बड़ा नेतृत्व माना जाता है, उन्होंने हमें स्वीकार किया अपनी पार्टी में, और इसका रास्ता बनाने के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सोनिया दुहन जी का, जो NSY की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि वो हमसे संपर्क में आई लखनऊ में, उनसे बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने माननीय शरद पवार जी से बात किया और वो हमें यहाँ लेकर के आई। हमारे बीच में आज मंच पर हमारे यहाँ के सदर NCP के जयंत पाटिल साहब मौजूद हैं, हमारे बड़े पुराने साथी नवाब मलिक साहब मौजूद हैं, धीरज शर्मा साहब जो यूथ विंग के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, वो मौजूद हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि इतने लोग हमको आज यहाँ ज्वाइन करने के लिए शरद पवार साहब बैठे हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं पहले भी शरद पवार साहब की पार्टी में 2.5 साल काम कर चुका हूँ और मुझे इनका नेतृत्व मिला है। चुनाव भी वहाँ लड़ाया गया था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया था, जीते तो नहीं थे लेकिन वोट परसेंटेज हम लोग को अच्छा मिला साहब। अभी आप लोगों ने यूपी के बारे में बात किया और मैं भी यूपी के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो अभी 80% 20% बात हुई है, तो ये 20% भाजपा को मिलेगा, 80% उनके खिलाफ मिलेगा, ये वहाँ की जनता ने मन बना लिया है। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, इसको मिनी भारत कहा जाता है। यहाँ 22 की हवा जो बहेगी वो 24 में ले जाकर के रहेगी। ये 22 का चुनाव 24 चुनाव तय करेगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। भाजपा की टूटन जो शुरू हुई है, ये और टूटन बढ़ेगी। और हम लोग चूँकि वहाँ 30-40 साल से राजनीति कर रहे हैं, जान रहे हैं, अभी भाजपा में बहुत लंबी टूटन होने जा रही है। वहाँ कोई MLA खुश नहीं है, 184 MLA विधानसभा में योगी खिलाफ बैठ चुके हैं धरने पर, और उस वक्त बैठे थे जब अमित शाह ने उनको डांटा डपटा तो जाकर उठे। तो ये बहुत दिन चल रहा है, लेकिन अब ये रिजल्ट कब आएगा, ये चुनाव में आएगा। तो आज वहाँ पर शरद पवार जी जैसे नेतृत्व की ने जो अभी ऐलान किया है कि ये सपा की मदद करेंगे और वहाँ जाएंगे, जाहिर सी बात है। मैं तो इसलिए इस पार्टी में आया हूँ कि मेरी एक मुहिम है, मैंने वहाँ बयान भी दिया था कि UPA बदलना चाहिए। ये NDA के मुकाबले में जो अभी वर्तमान जो UPA है वो बहुत कमज़ोर पड़ रहा है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं और तमाम लोग चाहते हैं, मेरा ख्याल अभी चुनाव बाद जब बैठक हुई, कल भी बैठक होने जा रही लखनऊ में, कि इसका नेतृत्व शरद पवार साहब करें UPA का, तभी 24 की लड़ाई NDA से लड़ पाएंगे, और नहीं तो ये 24 की लड़ाई NDA से लड़ना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम लोग एक मुहिम चलानी पड़ेगी, तमाम जो दल हैं पूरे देश के उनसे बात करनी पड़ेगी, और ममता बनर्जी भी इसके लिए तैयार हैं, अखिलेश यादव जी तैयार हो जाएंगे, मुलायम सिंह जी कल से बहुत एक्टिव हो गए हैं, और अभी बहुत ज़्यादा टूटन हो रही है। आज कांग्रेस के इमरान मसूद साहब, जिनका ख़ानदानी बहुत वजूद था, रशीद मसूद साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने भी कांग्रेस इस्तीफा दे दिया है। तो ये सब चल रहा है, सिर्फ इसलिए चल रहा है कि BJP कैसे UPA से हटाया जाए, क्योंकि जो योगी जी कहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, जो मोदी जी कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। UP चेंज की बयार बह रही, हवा बह रही है, और वहाँ चेंज निश्चित तौर से होने वाला है, और शरद पवार जी का नेतृत्व मिल गया है तो मुझे पक्का यकीन है कि वहाँ चेंज होगा, क्योंकि ये चेंज करने के मास्टर माने जाते हैं। अभी इन्होंने महाराष्ट्र में जो चेंज किया है वो बधाई के पास नहीं, UP में भी अगर इनका सरपरस्ती हो गई तो निश्चित होगा। एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शरद पवार साहब का कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने अपनी पार्टी में दिया और मुझे अपने लेकर के मुझे इज्जत दिया, मुझे प्यार दिया, इससे मुझे बहुत ताकत मिली है, और इस लड़ाई में हम लोग जान ताकत लगा करके भाजपा को हराने के लिए लगेंगे। जय हिंद।